नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम मनी टेक की बात करेंगे। कनाडा जनरली टेक स्टिल पॉसिबल है, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, उनके लिए पॉसिबल है जिनके बायोमेट्रिक की कोई टेंशन नहीं है, ऑफर लेटर ले चुके हैं, जब बहुत जल्दी जल्दी GIC जिनका हो चुका है, जैसे ऐसे बच्चों के लिए पॉसिबल है। लेकिन मनी टेक की हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, मई के स्टेटस के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फॉर एनी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं बाय कॉलिंग अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर विच इज 9041090410। सो मई इनटेक एडमिशन की अगर बात करते हैं तो एडमिशन फास्ट ट्रैक हो चुका है। जी हाँ, अब जनवरी इनटेक, बच्चों को पता है कि अब जनवरी इनटेक के चांसेस तो निकल गए हाथ में से, अब तो एडमिशन लेना है जिसका भी आज के बैंड आए, तो पॉसिबल नहीं दिख रहा कहीं भी। तो मई इनटेक को लेके एक्टिवली काम होना स्टार्ट हो गया, जब बच्चों को भी पता है कि बच्चे भी आते हैं तो वो जनवरी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे जी मई इनटेक अप्लाई करना, क्योंकि उनको भी क्लियर है कि अब जनवरी को लेके कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं बची, क्योंकि ऑलमोस्ट अक्टूबर मिड होने वाला है और इसके बाद आपको पता है कि रिजल्ट लेना है, फीस ट्रांसफर करनी है, GIC करवाना है। कंडीशन है कि जिनके पास GIC हुआ था, कोई रिफ्यूजल केस है, उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन अदरवाइज रिजल्ट को टाइम लग सकता है। तो आपको बाय सेफ साइड रहने के लिए, जो रिसेंट पास आउट स्पेशली है, मई इनटेक का एडमिशन फुल फ्लैश चल रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अक्टूबर खत्म होते होते मई इनटेक का एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ चला जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर के आसपास का हम बात कर रहे हैं। ये तो 10 अक्टूबर को अगर हम स्टेटस की बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, 9-10 अक्टूबर की क्या सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पर बात करूँ तो काफ़ी टोरंटो के जो कॉलेजेस हैं उनकी वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। मेरी लास्ट वीडियो के बाद ये अपडेट आई है, काफ़ी कॉलेजेस की जो है ऑलरेडी एडमिशन वेटिंग में जानी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन स्टिल अभी ऐसा नहीं है कि मई खत्म हो चुका है, लेकिन कॉलेजेस अब उस स्टेज की तरफ जाना शुरू हो गए, स्पेशली ओंटारियो के कॉलेजेस, जब हमें पता है कि और 10-12 दिन की रह गया सिस्टम, इसके बाद ओंटारियो के लिए जो प्राइम कॉलेजेस है, जहां आपने जाना है मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, तो वहां पे आपको अब डिफिकल्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन में। सेम वैंकूवर की भी सिचुएशन है, बट स्टिल मई इनटेक ओपन रहेगा और महीना डेढ़ महीना रहेगा, लेकिन पहले ऑप्शन भरेंगे टोरंटो के, ओंटारियो प्रोविंस के भरेंगे, इसके बाद वैंकूवर वाले फिल होंगे, और उसके बाद नवंबर में अगर बात करते हैं मई इनटेक की, तो नवंबर में मई इनटेक अवेलेबल रहेगा। रेस्ट ऑफ दी प्रोविंस जो है उसमें उम्मीद है कि नवंबर एंड तक मई इनटेक का एडमिशन चल सकता है, बट वेट क्यों करना है? जी हाँ, आपको वेट करने की जरूरत नहीं। इवन अगर आपके आयस में कम बैंड है, 1 में 5.5 है, तो आपको पता है कि 1 में 5.5 में रिस्क है, तो मैंने इम्प्रूव करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी इम्प्रूवमेंट का कॉलेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपके एडमिशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, उसका इम्पैक्ट वीज़ा के ऊपर है। तो कॉलेज अगर आपको एडमिशन दे रहा है तो आपको ऑफर लेटर सिक्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि पता होना क्या है, मैं सिचुएशन अभी नहीं मैं कहता कि वैसी होनी है, ये सिचुएशन जो है वो थोड़ा लेटर ऑन जाके, जब अभी तो क्योंकि सितंबर में और सिचुएशन थी, थोड़ा लेटर ऑन जाके एडमिशन के लिए थोड़ी सी चेंज होगी कि आपको डिफिकल्टी आएगी, मतलब अक्टूबर एंड के बाद आपको जो है मई टेक के लिए एडमिशन लेना ओंटारियो में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। आई नो हर बार की तरह काफ़ी बच्चे इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको अक्टूबर एंड के बाद पता चल जाएगा कि जब ओंटारियो में एडमिशन लेने की बात करोगे तो आपकी पसंद का कॉलेज आपके हाथ से निकल चुका होगा। तो आप प्लीज़ 21 पास आउट, आई नो मुझे बच्चे मिलने आते हैं, आप में से काफ़ी लोगों का आयस हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली कुछ को 2 में 5.5 है, किसी के 1 में 5.5 है, वो इम्प्रूव करना चाहता है, जो कि अच्छी बात है, बट प्लीज़ कहीं से भी अप्लाई करना है, एडमिशन को डिले ना करें, एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो चैलेंज है, वीज़ा का चैलेंज तो है ही है कि रिजल्ट लेट है, लेकिन एडमिशन जो है वो सबसे पहला आपका चैलेंज है जो आपने फेस करना है। तो एडमिशन प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करते हैं ऑफर लेटर अपना सिक्योर कर ले, और गोल्डन एडवाइस मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, गो फॉर 2 और 3 ऑप्शंस, सिर्फ एक कॉलेज में नहीं अप्लाई करना, स्पेशली अगर ओंटारियो में अप्लाई कर रहे हो, ओंटारियो में अप्लाई करो, 2 ऑप्शन तो कम से कम ओंटारियो के लेके चलो, 1 ऑप्शन ओंटारियो में ही, थोड़ा साइड बाय का ऑप्शन वगैरह आप देख सकते हो, जो आउटर कैंपस है ओंटारियो से, टोरंटो से 1.5 घंटा दूर जो ऑप्शन वगैरह आपके पास है,
वहाँ का भी एक आधा ऑफर अप्लाई कर लेना फॉर सेफ साइड, क्योंकि अगर वेटिंग में ऑफर है आपका, आपको पता चल जाएगा कंसल्टेंसी जो आपका कॉलेज है, तो आपको जो है पॉसिबल है कि थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जैसे कुछ कॉलेजेस ने, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एडमिशन जल्दी है, कुछ कॉलेजेस ने, आप लॉयलिस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ कॉलेजेस ने जनवरी का डेफरमेंट ही नहीं दिया था। आप इस चीज़ को मत भूलें, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि सितंबर वाले बच्चे कह रहे थे कि हमें जनवरी डेफर कर दो, हमारा वीज़ा आ चुका, उन्होंने कहा नहीं मई में आओ। तो जिस कॉलेज का जनवरी इंटेक सितंबर के रिजल्ट आने से पहले भर चुका था, उसके मई इंटेक का आप आइडिया लगा सकते हो। तो अगर आपके यही प्रेफरेंस कॉलेजेस हैं जो 4-5-7 हैं, तो प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करें, एज सून एज पॉसिबल अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर लें। यूनिवर्सिटीज़ पे सीट्स रहती हैं, अभी भी जनवरी टेक यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम मई टेक में रहेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में नॉर्मली मई टेक नहीं होता, तो आपको वो चैलेंज आ सकता है, क्योंकि मई टेक छोटा होता है, कोई बड़ा इनटेक नहीं है, तो ये एक अलग से चैलेंज होता है। नहीं तो फर्दर कॉलेजेस जो है बहुत जल्दी सितंबर का एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ने शुरू भी कर दिया, तो आप ही नहीं तो जो रीसेंट पास आउट है वो सितंबर की तैयारी अपनी स्टार्ट कर लेंगे, और 15-20 दिन की बात है। तो आज के लिए यही अपडेट थी एडमिशन को लेके, ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।